एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल हिंदी शब्दावली में। आज हम लोग करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका दूसरा नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से शुरू करेंगे बिना देरी करते हुए। चौथा सेट है हमारा, इससे पहले हमने तीन सेट कर लिए हैं। जिन छात्रों ने नहीं किया है तीन सेट तो वो जाकर कर लें। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी इससे संबंधित, तो आप वहां पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर अभ्यास सेट चार से। पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है, जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है उसे क्या कहते हैं? निरक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? निरक्षर। और अगर इसी तरह से हम इसका दूसरा देखें, विलोम देखें अगर, तो जो लिखना पढ़ना जानता है उसको क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? साक्षर। तो हमें पता चला कि जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है उसे हम कहते हैं निरक्षर। आगे शब्द आता है जो व्यक्ति विदेश में रहता है। ठीक है, जो देश का व्यक्ति है लेकिन विदेश में रहता है तो उसे हम प्रवासी कहते हैं। तो हम प्रवासी किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो हमारे देश का है लेकिन कहीं विदेश में जाके रह रहा है तो उसे हम प्रवासी कहते हैं। ठीक है, आगे शब्द आता है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। जो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला है उसे हम कहते हैं बहुभाषाविद। बहुभाषाविद यानी बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा जो दो भाषाओं को बोलने वाला है, यानी दो भाषाएं बोलने वाला। जो दो भाषाएं बोलने वाला है उसको हम दुभाषिया कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं? दुभाषिया। फिर आगे शब्द आता है जिसके समान दूसरा कोई ना हो। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? अनन्य। अनन्य क्या होता है? यानी जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। अब जैसे देखेंगे अनन्य शब्द जो है ये आपका बना है अन उपसर्ग लगा है। अन उपसर्ग किस में लगा है? अन्य में। तो अन्य मतलब कोई दूसरा, अन माने नहीं, जो दूसरा नहीं है उसके जैसा, तो वो क्या हो गया? अनन्य शब्द बन गया। ठीक है, अब आगे शब्द आता है जिसका कोई अर्थ ना हो। तो जिसका कोई अर्थ नहीं है तो वो क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। अब ये जो व्यर्थ आपका शब्द है इसमें है संधि। ठीक है, संधि विधि लागू हुई है। इसमें क्या बना है? वी प्लस अर्थ से बना है। ठीक है, ये किससे बना है? वी प्लस अर्थ से। तो इसमें संधि क्या हुई? इसका अंतिम जो ई है उसका मेल किससे हुआ है? अ से। दोनों के मेल पर आप जानते हो ई बदल गया किसमें? य में। तो ये व यहाँ पे रह गया आधा और ये इस अ ने इस य को पूरा कर दिया तो बचा हुआ टुकड़ा यहाँ पे आ गया और ये आधा इसके साथ होके शब्द क्या बन गया? व्यर्थ। तो अगर कभी कोई पूछे कि व्यर्थ शब्द में कौन सी संधि है तो व्यर्थ शब्द में यण संधि है। ठीक है, तो अर्थ माने अर्थ, वी माने नहीं, जिसका अर्थ नहीं है यानी बेकार है। ठीक है, तो व्यर्थ। तो जिसका कोई अर्थ ना हो तो वो क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे शब्द है हमारा अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? कुलीन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कुलीन। अब ये जो कुलीन शब्द है ये शब्द भी आपका प्रत्यय से बना है। इसमें शब्द है कुल और कुल में क्या जुड़ा है? ईन। ठीक है, कुल का मतलब होता है परिवार। ठीक है, खानदान जिसे कहते हैं परिवार और खानदान। तो अच्छे कुल, कुल माने परिवार, यानी अच्छे खानदान में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। आगे शब्द आता है हमारा जो मृत्यु को जीत ले, यानी जो मृत्यु को जीत लेता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं हम मृत्युंजय। क्या कहते हैं उसे? मृत्युंजय कहते हैं, यानी जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे शब्द आता है अगला शब्द जो अनुग्रह, अनुग्रह यानी एहसान। ठीक है, जो अनुग्रह से युक्त हो। ठीक है, जो एहसान से युक्त हो, एहसान से घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनुगृहीत।
ठीक है, उसको कहते हैं अनुगृहीत। और ये जो अनुगृहीत शब्द है आपका वर्तनी शुद्धिकरण में आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि गृह यानी ग पे री री की मात्रा लगेगी और ह पे बड़ी ई की मात्रा, तो यही वाला शब्द हमारा जो है वो सही होगा। तो वर्तनी के लिए भी याद रखेंगे, तो अनुगृहीत शब्द का मतलब हो गया जो अनुग्रह यानी एहसान से युक्त हो। ठीक है, आगे शब्द आता है जिसका निर्णय न हो चुका हो। ठीक है, यानी जिसका निर्णय अभी नहीं हुआ हो उसको क्या कहेंगे, अनिर्णीत कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अनिर्णीत। और जिसका निर्णय हो चुका होगा तो उसे क्या कहेंगे, निर्णीत कहेंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, निर्णीत। तो जिसका निर्णय न हो चुका है वो अनिर्णीत कहलाएगा। ठीक है, आगे शब्द आएगा जो करना आवश्यक हो, यानी जो करना आवश्यक है उसको क्या कहेंगे, अनिवार्य कहेंगे। अनिवार्य यानी इसका कोई दूसरा निवारण नहीं है। ठीक है, अनिवार्य है ये। और जिसका जो करना आवश्यक ना हो तो उसे वैकल्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं, वैकल्पिक। तभी तो अनिवार्य का विलोम बन जाता है वैकल्पिक। ठीक है, तो विलोम पर भी ध्यान देंगे हम। आगे बढ़ता है हमारा अगला पॉइंट, जो अवश्य होने वाला हो, यानी जो अवश्य होने वाला है उसको कहते हैं अवश्यम्भावी। ठीक है, क्या कहते हैं, अवश्यम्भावी, जो अवश्य होने वाला है उसे। ठीक है, तो अवश्यम्भावी जो अवश्य होने वाला है। आगे शब्द आता है हमारा जो शोक करने योग्य ना हो, यानी जिसके लिए शोक न किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, अशोक्य। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अशोक्य कहते हैं, जो शोक करने योग्य नहीं है। ठीक है, आगे आता है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। ठीक है, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको क्या कहेंगे, चिन्हित कहेंगे। चिन्हित, चिन्हित का मतलब जिस पर चिन्ह लगा के उसे चिन्हित कर दिया, तो चिन्हित कहते हैं उसे। ठीक है, तो जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे कहेंगे चिन्हित। आगे शब्द है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ग्रीवा कहते हैं गर्दन को। ठीक है, तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या बोलते हैं, सुग्रीव कहते हैं। सुग्रीव, सु माने अच्छी, ग्रीव माने गर्दन, तो जिसकी अच्छी गर्दन हो उसे सुग्रीव कहते हैं। ठीक है, आगे शब्द आता है बाएं हाथ से कार्य करने वाला। जो बाएं हाथ से कार्य करे या दोनों हाथों से कार्य करे, ठीक है, ये दोनों के लिए आता है, दोनों हाथों से कार्य करे या बाएं हाथ से कार्य करे उसे क्या कहते हैं, सव्यसाची। क्या बोलते हैं उसको, सव्यसाची। सव्यसाची अर्जुन को कहा जाता था, क्योंकि अर्जुन दोनों हाथों से तीर चला लेता था, यानी बाएं हाथ से भी तीर चला लेता था, दाएं हाथ से भी चला लेता था, तो सव्यसाची कहते थे उसको। तो ये ध्यान रखिए, तो जो बाएं हाथ से कार्य कर सकता हो उसे सव्यसाची कहते हैं। आगे शब्द आता है हमारा जिसे वेतन न मिलता हो। ठीक है, जिसे वेतन न मिलता हो उसे बोलेंगे अवैतनिक। क्या बोलते हैं उसे, अवैतनिक। और जिसको वेतन मिलता होगा तो उसे क्या कहेंगे, वैतनिक, यानी वो वेतन पर काम कर रहा है। तो जो वेतन पर काम नहीं करता है, जिसे वेतन नहीं मिलता है, वो अवैतनिक कहलाता है। आगे शब्द है हमारा जहां आबादी ना हो। ठीक है, जहां आबादी ना हो, आबादी, आबादी का मतलब हो जाएगा जन समूह। ठीक है, तो जहां आबादी ना हो वहां उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, निर्जन। निर्जन मतलब अभी ये उपसर्ग से बना है, निर प्लस जन, जन माने व्यक्ति, निर माने नहीं, जहां कोई व्यक्ति नहीं है तो क्या हो गया, वो निर्जन हो गया। तो जहां आबादी ना हो वो निर्जन हो जाएगा। आगे शब्द दिया है जिसको छोड़ा ना जा सके। ठीक है, जिसको छोड़ा ना जा सके या जिसको त्यागा ना जा सके उसे कहते हैं अत्याज्य। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, अत्याज्य, जिसे त्यागा ना जा सके, जिसे छोड़ा ना जा सके। अब यही पे इसका विलोम बन जाएगा, जिसे छोड़ा जा सके या जिसे छोड़ा जाना चाहिए तो त्याज्य कहते हैं उसे। ठीक है, क्या बोलेंगे, त्याज्य। तो त्याज्य और अत्याज्य क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। ठीक है, आगे शब्द आता है आपका जो आंखों से सुनता है। ठीक है, जो आंखों से सुनता है उसे क्या कहते हैं,
श्रवण चक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण चक्षु। चक्षु मतलब आंख, श्रवण माने सुनना, तो जो आंखों से सुनता है उसे श्रवण चक्षु कहते हैं। आगे शब्द है जो पेट के बल चलता हो, जो पेट के बल चलता है उसे क्या कहते हैं? उदरचर कहते हैं। तो उदर माने पेट, चर माने चलना, ठीक है, चलने वाला ही हो जाएगा, घूमना फिरना, आचरण करना। तो जो पेट के बल चलता है उसे उदयचर कहते हैं, ठीक है, उदरचर, सॉरी उदयचर नहीं, उदरचर। आगे शब्द आता है जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे विधुर कहेंगे, ठीक है। आगे शब्द है जो मरने को इच्छुक हो, यानी जो मरने को इच्छुक है उसे क्या कहेंगे? मुमुर्षु कहेंगे। मुमुर्षु, जो मरने को इच्छुक है, यानी मरने की इच्छा है जिसकी। आगे शब्द आता है 100 वर्षों का समूह, जो 100 वर्षों का समूह है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? शताब्दी। अब देखो जो शताब्दी शब्द है ये भी आपका कैसे बना है, ये बना है आपका सत शब्द में हमने जोड़ा है अब्द, ठीक है, और जुड़ा है ई, ठीक है। सत का मतलब हो गया 100, ठीक है, अब्द का मतलब होता है वर्ष, ठीक है, और ई माने वाला वाली, ठीक है। तो 100 वर्ष वाली, तो जो 100 वर्ष वाली, अब इसमें क्या हुई है? दीर्घ संधि हुई है, ठीक है, तो ये ए मिलकर क्या बन गए? आ हो गए, तो ये शताब्द, ठीक है, और शताब्द और ई, तो शताब्दी। 100 वर्षों के समूह को क्या बोलेंगे? शताब्दी। तो इस तरह से पता चल गया, ठीक है। तो आपको एक बात और पता चल गई कि वर्ष का यानी साल का पर्यायवाची अब्द होता है, ठीक है। चलो आगे शब्द है हमारा यहाँ पर विष्णु का उपासक, जो विष्णु का उपासक है उसे क्या कहेंगे? वैष्णव कहते हैं, ठीक है, जो विष्णु का उपासक है उसे वैष्णव कहते हैं, और जो शिव का उपासक है उसे शैव कहते हैं, ठीक है, जो शिव का उपासक होता है उसे शैव कह देते हैं। तो विष्णु का उपासक हो गया वैष्णव, ठीक है। आगे दिया हुआ है गोद लिया हुआ पुत्र, जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसे क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं, दत्तक, दत्तक पुत्र, ठीक है। आगे आता है जो स्त्री कविता रचती है, तो जो स्त्री कविता रचती है उसे कवयित्री कहते हैं, कवयित्री, ठीक है। अब ये वर्तनी शुद्धिकरण में भी आता है, ध्यान रखिएगा, जब वर्तनी शुद्धिकरण हम देखेंगे। फिर आगे शब्द दिया है आकाश को चूमने वाला, जो आकाश आकाश को चूमने वाला है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करते हैं? गगनचुंबी, ठीक है, गगनचुंबी। अब विकल्प में आपको आकाशचुंबी और गगनचुंबी ऐसे लिखा जाए तो गगनचुंबी कहते हैं, ठीक है, ज्यादातर जो प्रयोग में होता है गगनचुंबी शब्द कहा जाता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है जिसने उधार लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? ऋणी। क्या कहेंगे? ऋणी, जिसने उधार लिया है उसको ऋणी कहेंगे। अब आप लोगों को मेरे साथ दोहराना है, ठीक है, अब मेरे साथ दोहराइएगा, मैं वाक्यांश बोलूंगी और आपको शब्द को दोहराना है, बोलना है, बिना बोले काम नहीं चलेगा। तो चलो देखो हम यहाँ पे बोलेंगे दोहराएंगे, तो पॉइंट हमारा है पहला, जो लिखना पढ़ना नहीं जानता हो निरक्षर, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, दो भाषाएं बोलने वाला दुभाषिया, जिसके समान दूसरा कोई न हो अनन्य, जिसका कोई अर्थ न हो व्यर्थ, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय, जो अनुग्रह यानी एहसान से युक्त हो अनुग्रहीत, जिसका निर्णय न हो चुका हो अनिर्णीत, जो करना आवश्यक हो अनिवार्य, जो अवश्य होने वाला हो अवश्यम भावी, जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, जो बाएं हाथ से कार्य करने वाला हो सव्यसाची, जिसे वेतन न मिलता हो अवैतनिक, जहां आबादी न हो निर्जन, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अत्यज्य,
जो आंखों से सुनता है श्रवण चक्षु, जो पेट के बल चलता हो उदर चर, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, जो मरने को इच्छुक हो मुमुर्षु, 100 वर्षों का समूह शताब्दी, विष्णु का उपासक वैष्णव, गोद लिया हुआ दत्तक, जो स्त्री कविता रचती है कवित्री, आकाश को चूमने वाला गगन चुंबी, जिसने उधार लिया हो ऋणी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने आज यहाँ पर किया। इसी तरीके से आप हर दिन अभ्यास करते रहिए, हम एक एक करके करते रहेंगे छोटा छोटा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, निधि एकेडमी एप्लीकेशन पर आप जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप जाएंगे, उसमें दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है आपका सामान्य हिंदी कंप्लीट बैच, जैसे ही आप उसको खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये यूट्यूब मिल जाएगा, यूट्यूब वाला कि हिंदी शब्दावली वाला, तो शब्दावली वाले जो यूट्यूब चैनल है उसमें शब्दावली वाली आपको मिल जाएंगी, और जो आपका व्याकरण वाला है तो व्याकरण वाले पे मिल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोगों को वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम मैम शब्द अर्थ करा दीजिए, बेटा एक एक करके पॉइंट हम करेंगे, हर चीज को सारे कराते रहेंगे, तो कुछ शब्दों के अर्थ भी मैं लेकर आ जाऊंगी। आप लोगों को अगर शब्द अर्थ में प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके अर्थ मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।